इस न्यूज के प्रायोजक है। पद्मेश एक्स 5 मिनट 2116 में 6 महीना और 4232 में 13 महीना 30 Mbps की स्पीड के साथ इंस्टॉलेशन फ्री, 5G राउटर फ्री और 25 साल के तजुर्बे के साथ। तो बड़ी कंपनी के बढ़ते दामों से बचें और लगाएं पद्मेश एक्स 5 मिनट जो देगा आपको लोकल का फायदा। ऑफर केवल बालाघाट शहर और सीमित समय के लिए लागू। पश्चिम बंगाल में हुई घटना के बाद विरोध स्वरूप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर बालाघाट इकाई के द्वारा 17 अगस्त को 24 घंटे काम बंद हड़ताल का ऐलान किया गया है। 17 अगस्त को जिले के कोई भी चिकित्सक प्रातः 6 बजे से लेकर 18 अगस्त की सुबह 6 बजे तक अपनी चिकित्सा सेवाएं प्रदान नहीं करेंगे। जिले के शासकीय और अशासकीय अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाएं ही शुरू रहेगी। आपको बता दें कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना के खिलाफ बालाघाट में चिकित्सकों में आक्रोश है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA की बालाघाट इकाई ने 17 अगस्त को 24 घंटे काम बंद हड़ताल का ऐलान किया, जिसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बालाघाट इकाई के द्वारा देर शाम स्थानीय संस्थान में बैठक लेने के बाद यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश संगठन से जो निर्णय आया है उस निर्णय का वह पालन करते हुए बालाघाट जिले में भी विरोध दर्ज करवाया जाएगा और यहाँ भी शासकीय और अशासकीय अस्पतालों में मेडिकलों में भी 17 अगस्त को 24 घंटे काम बंद कर अपना विरोध जताया जाएगा, जिसमें शासकीय और अशासकीय अस्पतालों में इमरजेंसी स्वास्थ्य सेवाएं चालू रहेगी। वहीं उन्होंने यहाँ भी बताया कि उन्हें अन्य स्वास्थ्य संगठन का भी सहयोग मिल रहा है, इसमें सभी स्वास्थ्य विभाग से जुड़े संगठन उनका साथ दे रहे हैं। IMA के समर्थन में हमारा एसोसिएशन खड़ा हुआ है, उनके साथ हम सदैव खड़े रहे हैं और आगे भी रहेंगे। हड़ताल हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि स्वास्थ्य सेवा को हम प्रभावित नहीं कर सकते। एसोसिएशन में मेडिकल बंद रहेगी या शुरू रहेगी? क्या मेडिकल चालू रहेगी? अच्छा, तो हम डॉक्टरों की हड़ताल में उनका समर्थन करते हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं क्योंकि जघन्य अपराध हुआ है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। जैसा कि पत्र पूरे नेशन में राष्ट्रीय स्तर पर मालूम होगा आप लोगों को कि कलकत्ता में एक हमारे जूनियर डॉक्टर साहब जघन्य तरीके से बलात्कार एवं उसकी हत्या की गई और हत्या भी इतने खतरनाक तरीके से की गई कि उसकी पेल्विक बोन और कई हड्डियां तोड़ दी गई उसकी। तो और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जानकारी मिली है कि उसके जो पार्ट्स में है 153 ml सीमेंट की मात्रा पाई गई, यानी 153 ml सीमेंट की मात्रा एक अकेले की वजह से नहीं होती, एक अकेले बलात्कार से नहीं होता है, ये मल्टीपल लोगों के बलात्कार की वजह से होता है। तो इस प्रकार की घटना जो हमारे डॉक्टर जूनियर डॉक्टर के साथ हुई है वो बहुत ही शर्मनाक है और हम बालाघाट IMA के माध्यम से शासन को प्रशासन को यह अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी जो महिला चिकित्सक है रात में भी ड्यूटी करती हैं और जनसेवा में लगी रहती है और डायरी डिपार्टमेंट में तो रात दिन डिलीवरी वगैरह इसमें होती है, नर्सिंग ऑफिसर भी रात दिन ड्यूटी में रहती है। इस प्रकार के असामाजिक तत्वों के द्वारा इस प्रकार की घटनाएं अगर घटित कारित किया जाएगा तो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं और मेडिकल फ्रेटर्निटी जो समुदाय है हमारा वो चाहता है कि शासन प्रशासन इसके लिए कड़े नियम बनाए और हमें चिकित्सकों को और हमारे जो चिकित्सा में कार्यरत हमारे जो पैरामेडिकल वर्कर है उनको सुरक्षा प्रदान करें। आज हम यहाँ पर सभी IMA के डॉक्टर उपस्थित हुए हैं, उसका कारण यह है कि जो जघन्य अपराध है जो आज न्यूज मीडिया के माध्यम से दे रहा है, जिस प्रकार से कोलकाता के आरडी कर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ और जिसमें एक पीड़िता जो हमारी डॉक्टर थी उसके साथ में जो रेप हुआ है वो बहुत शोचनीय है। जिस प्रकार से यह रेप हुआ है उसको देखने और सुनने के बाद में ऐसा लगता है कि ऐसे समय में इस प्रकार की वारदात होना, जबकि हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है, ये अपने आप एक क्योरी मार्ग खड़ा कर देता है। हम डॉक्टर्स लोग किस प्रकार से अस्पताल में नाइट में ड्यूटी करते हैं, इस प्रकार से हमारी लेडी डॉक्टर नाइट के समय उठकर 2 या 3 बजे या 4 बजे रात को पुरुषता की डिलीवरी करवाती है, अकेले करते हैं, ऐसी परिस्थिति में हम डॉक्टरों को ड्यूटी करना चाहे वो प्राइवेट के हों चाहे वो गवर्नमेंट के हों चाहे किसी इंस्टीट्यूशन के, बहुत मुश्किल है। इससे हमारी जान की काफ़ी खतरा महसूस हो चुका है और होते जा रहा है और हम अपनी ड्यूटी से वंचित हो चुके हैं। ऐसे समय में मैं मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बालाघाट के माध्यम से हमारे हेडक्वार्टर्स IMA और स्टेट हेडक्वार्टर्स को हम सूचित करना चाहते हैं कि इस जघन्य अपराध जो रेप हुआ है उसमें हम उनकी भागीदारी करते हैं और इसके उपलक्ष्य में कल हम 11 बजे लगभग जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय को अपना ज्ञापन देंगे, साथ ही शाम के समय लगभग 6:30 बजे शांतिपूर्वक कैंडल मार्च का हम आयोजन कर रहे हैं। आज हमारे बीच में सभी
बालाघाट के आई एम ए के प्रेसिडेंट डॉक्टर दिनेश मिश्रा, सेक्रेटरी डॉक्टर खोबरागढ़े, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर कृतिका शास्त्री और सभी संरक्षक गण यहाँ पे उपस्थित हैं और हम इस घोर अपराध के लिए, इस घोर कर्तव्य के लिए घोर निंदा व्यक्त करते हैं। जैसा कि जो सरकारी चिकित्सक हैं उनसे बात हुई थी तो उनसे उन्होंने चर्चा में कहा था कि उन लोग इस साइट में आपके साथ नहीं रहेंगे, तो अभी क्या कुछ नहीं, एक्चुअली मैं वो भी आई एम ए के मेम्बर है पर उनका कहना भी इस हद तक सही है क्योंकि अभी तक उनको मेमोरेंडम हमने दिया नहीं था, लेकिन अभी हमने अपने आई एम ए के माध्यम से एक लेटर प्रसारित किया है क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इस स्ट्राइक में साथ में रहेंगे क्योंकि वो भी नाइट ड्यूटी करते हैं, महिला डॉक्टर नाइट ड्यूटी करती है, तो मैंने समझता कि साथ में रहेंगे और कल वही घटना हो सकती है कि जिस प्रकार से अस्पताल का माहौल आज दिख रहा है और जिस प्रकार से अस्पताल के माहौल में हमारे ड्यूटी डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस काम करती हैं, वो बड़ा शोचनीय है और ऐसे में अगर हमको सुरक्षा नहीं मिली तो हम कैसे ड्यूटी कर पाएंगे।